हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एम डॉक्टर रूप किशोर, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के द्वारा उड़ीसा के नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में लेक्चरर के रिक्रूटमेंट से संबंधित नोटिस पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप इसी तरह के नोटिफिकेशन और अपडेट चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ आप देख सकते हैं, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर्स इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस ऑफ उड़ीसा, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम प्रोस्पेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 1,065 पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स, डायरेक्ट पेमेंट पोस्ट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द स्केल ऑफ पे ऑफ ₹44,900 टू 1,42,400 एज पर पे मैट्रिक्स लेवल 10 ऑफ ORSP रूल्स 2017 प्लस यूजुअल DA एज एडमिसिबल फ्रॉम टाइम टू टाइम for the teachers of non-government aided colleges of Odisha. Candidate are required to apply online through website, और website आप note कर सकते हैं। यहाँ पर आपको online apply करना होगा www.ssbodisha.ac.in at the link available on this site. No other means oblique mode of submission of applications will be accepted. The schedule of online application is follows, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का शेड्यूल है आप यहाँ से देख सकते हैं। ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, जो इसमें अप्लाई करने की जो शुरुआत अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है, ओपनिंग डेट है, वो 11/9/2023 यानी कि 11 सितंबर 2023 है। और जो क्लोजिंग डेट एंड टाइम और फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, जो लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की, वो 13/10/2023 यानी कि 13 अक्टूबर 2023 तक इसमें अप्लाई किया जा सकता है। और फॉर मोर डिटेल प्लीज रेफर टू इंस्ट्रक्शन अंडर हाउ टू अप्लाई इन दिस एडवर्टाइजमेंट वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड आल्सो द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन इन द मेन इंस्ट्रक्शंस पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। और आप यहां से देख सकते हैं टेबल के अनुसार कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। द वैकेंसी पोजिशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स विद रिजर्वेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इज एज पर द फॉलोइंग टेबल। और रिजर्वेशन की कितनी वैकेंसीज आप इस टेबल के अनुसार देख सकते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी में 2 वैकेंसी हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 1, बॉटनी में 51, केमिस्ट्री में 75, कॉमर्स में 73, इकोनॉमिक्स में 146, एजुकेशन में 56, इंग्लिश में 115, ज्योग्राफी में 4, जियोलॉजी में 4, हिंदी में 4, हिस्ट्री में 71, होम साइंस में 10, IRPM में 2, लॉ में 1, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1, लॉजिक एंड फिलोसफी में 37, मैथमेटिक्स में 52, उड़िया में 49, फिजिक्स में 54, पॉलिटिकल साइंस में 146, साइकोलॉजी में 12, संस्कृत में 37, सोशोलॉजी में 18, स्टेटिस्टिक्स में 4, तेलुगु में 1, उर्दू में 1 एंड जियोलॉजी में 38। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल 1065 पोस्ट हैं। और हाँ, यहाँ से आगे एज लिमिट की हम बात करें तो ए कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21, वो कम से कम 21 साल का होना चाहिए एंड मस्ट नॉट बी अबव द एज ऑफ 42, और 42 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज। द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अबव इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर फॉर SC ST एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SC BC क्लासेस, वुमेन एंड एक्स सर्विस मैन के लिए अपर एज लिमिट में 5 ईयर्स की छूट रहेगी। और सिमिलरली द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाई 10 ईयर फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू PWD कैटेगरी हुज डिसेबिलिटी इज नॉट लेस देन 40%। तो इस प्रकार से आप एज रिलैक्सेशन यहाँ से देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ए कैंडिडेट शुड पोजेस द मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो कैंडिडेट के पास कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। और प्रोवाइडेड दैट ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब SC BC एंड और PWD शेल पोजेस द मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। और जो SC ST SC BC PWD के कैंडिडेट्स हैं उन्हें मास्टर डिग्री में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन आप यहाँ से देख सकते हैं, द सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट, करियर एंड वाइवा बॉयज टेस्ट टेकन टुगेदर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर द करियर असेसमेंट इज एज फॉलो। तो करियर असेसमेंट के 25 मार्क्स हैं मैक्सिमम, और इसमें PhD के 25 मार्क्स हैं, और MPhil और GRF और NET के 10 मार्क्स हैं। कैंडिडेट पोजेसिंग MPhil PhD NET इन द सब्जेक्ट कंसर्न शैल बी अवार्डेड मैक्सिमम 25 मार्क्स। सिमिलरली कैंडिडेट पोजेसिंग MPhil GRF और NET और MPhil विद NET विल बी अवार्डेड मैक्सिमम 10 मार्क्स। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, करियर के 25 मार्क्स हैं, रिटन एग्जाम जो मल्टीपल चॉइस टाइप का जो रिटन एग्जाम होगा वो 150 मार्क्स का होगा, और वाइवा वॉइस जो है इसमें 25 मार्क्स का। तो इस प्रकार से 200 मार्क्स पे
सिलेक्शन बेसिस होगा 200 मार्क्स पे. देयर शैल बी रिटन एग्जाम ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन, 2 घंटे का रिटन एग्जाम होगा इन द सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट में एज पर द मॉडल सिलेबस अपलोडेड इन द वेबसाइट, और जिसका सिलेबस वेबसाइट पर दिया है, और कैरिंग 150 मार्क्स, 150 मार्क्स का ही रिटन एग्जाम होगा. उसमें क्वेश्चन फॉर 150 मार्क्स शैल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप विच आर टू बी आंसर्ड इन ओएमआर आंसर शीट. ओएमआर आंसर शीट में आंसर करने होंगे. देयर शैल बी 100 क्वेश्चन हैविंग इक्वल वेटेज, और 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक बराबर मार्क्स का होगा. वाइल फॉर ईच राइट आंसर 1.5 मार्क्स विल बी अवार्डेड. सही आंसर देने पर एक क्वेश्चन पे 1.5 मार्क्स मिलेंगे. फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स, और गलत किसी भी एक गलत आंसर के लिए 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे. द रिटन एग्जामिनेशन फॉर ऑल सब्जेक्ट शैल बी हेल्ड इन वन सिटिंग ऑन अ सिंगल डे. तो इसके अलावा जोन ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड एट बालासोर, बरहामपुर, भुवनेश्वर, बोलंगीर, कटक, जयपुर एंड संबलपुर जोन्स, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव जोन्स. और एप्लीकेशन फीस की हम बात करें तो ए नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल फीस ऑफ ₹500 ओनली फॉर द कैंडिडेट कमिंग अंडर द अनरिजर्व कैटेगरी, SC BC कैटेगरी एंड ₹200 ओनली फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एस शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड PWD कैटेगरीज आर टू बी कलेक्टेड. द अमाउंट शैल बी डिपॉजिट ऑनलाइन इन कोर्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन. तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही ऑनलाइन अप्लाई फीस जमा करनी होगी. द एप्लीकेशन फीस मे बी डिपॉजिट ऑनलाइन इन द फॉलोइंग अकाउंट, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस सबमिट करने का जो अकाउंट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं. प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन, इसमें अप्लाई कैसे करना है. द एप्लीकेंट्स विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली, तो इसमें केवल ऑनलाइन ही अप्लाई किया जाएगा. द एप्लीकेंट्स हु विल शॉर्टलिस्टेड शैल बी आस्क्ड टू सबमिट देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड द अदर डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन बाय द बोर्ड बिफोर द वाइवा वॉइस टेस्ट. और वाइवा वॉइस टेस्ट से पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. और अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन आप यहाँ से देख सकते हैं. द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और कैंडिडेट शुड बी एबल टू स्पीक रीड एंड राइट उड़िया एंड मस्ट हैव पास मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट, और पास मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट, और पास इन उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7th और above, और पास इन अ टेस्ट इन उड़िया इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट. तो आप बाकी अभी कंडीशंस यहाँ से देख सकते हैं, और अदर कंडीशंस भी यहाँ से इस एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं. और सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ वेरीफिकेशन, और जो वेरीफिकेशन के टाइम में जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने होंगे, हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, HSC और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू बाय द बोर्ड, मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट विद मार्कशीट, ग्रेड शीट और MPhil सर्टिफिकेट, PhD डिग्री सर्टिफिकेट, नेट GRF क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिमिलर टू वन अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मैंशनिंग द नेम एंड रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट एट द बैक, कंडक्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाट अटेंडेड. तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ दी गई है. और इसके अलावा इसमें अप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं, www.ssbodisha.ac.in पर जाकर आपको इसमें अप्लाई करना होगा. और बाकी सभी ज़रूरी चीज़ें आपको इस विज्ञापन में मिल जाएंगी. तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो 13/10/2023 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं. तो ये थी पूरी जानकारी, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. सो थैंक यू.